What's up my YouTube family? Welcome back to my channel again. This is Wicked Rider और आज मैं हूँ डे 5th की राइड पे और यहाँ पे मैं नवी मुंबई में रुका हुआ था एंड आज का प्लान कुछ ऐसा है कि मैं यहाँ से जाऊँगा गेटवे ऑफ इंडिया और जो कि दिखा रहा है मेरे को 60 किलोमीटर्स कुछ यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया जाऊँगा। वहाँ पे थोड़ी बहुत जगह घूमेंगे, चिल करेंगे, मुंबई वाला वाइब्स लेंगे। ताज होटल कवर करने के बाद में मैं आगे जाऊंगा टूवर्ड्स मरीन ड्राइव। यहाँ पे मैं कल रात में ड्राइव करने आया था, ये है पाम बीच रोड और वहाँ पे है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बिल्डिंग नवी मुंबई का। तो यहाँ से मैं ज्वाइन कर चुका हूँ पाम बीच रोड और यही काफ़ी आगे तक जाता है स्ट्रेट यहाँ से नवी मुंबई से। लेट्स सी आज का राइड कैसा रहता है, मज़ा आने वाला बहुत। तो ब्लॉग को ज़रूर एंड तक देखना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि उससे आप लोगों को क्या है ना कि मेरे जितने ब्लॉग्स आते हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और पिछले के कुछ दिन, 3 दिन जो राइड थी, मतलब डे 1 मैं स्टार्ट किया था बैंगलोर से लोनावला और डे 2 एंड 3 में मैं लोनावला में IBW का इवेंट 2021 का जो था वो मैं अटेंड किया और बहुत ही अमेजिंग वाला फील था, बिल्कुल बाइकर्स वाली वाइब थी, मज़ा आ गया। और ट्रस्ट में मतलब आप लोगों को अगर सिनेमैटिक ज़रूर देखने हैं ना IBW के, एक बार पिछले वाले व्लॉग्स को देख लेना जाके जो आई नोटिफिकेशन में आप लोगों को आ रहे हैं इधर ऊपर पे, तो जाके देखो। और मैंने कुछ स्टोरीज भी अपलोड की थी इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। माई इंस्टाग्राम ID इज़ विकेट राइडर व्लॉग्स, तो जाके देख सकते हो आप लोग। थोड़े आगे डिस्टेंस के बाद में अपने को दिखा रहा है कुछ डाइवर्जन जो अपने को ब्रिज से क्रॉस कराएगा, जैसी उस पर बाइक जा सकती है कि नहीं, वरना इधर पे एक और रूट आगे से दिखा रहा है। तो ये वाला जो रोड है ये एक्चुअली इधर से शॉर्टकट है, एक आगे से घूम के जाता है और एक यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट करा देता है। ये वाली जो रोड आ गई अपने को सीधे ले जाएगी टुवर्ड्स गेटवे ऑफ इंडिया। अच्छा मस्त वाला ठंडा हो रखा है यार यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ठंडा नहीं पड़ता मुंबई पे, मजाक बना के रखा भाई, अच्छा खासा ठंडा है। मे भी शायद जस्ट अर्ली मॉर्निंग ठंडा रहेगा। ऊपर वाले में 2-व्हीलर नहीं अलाउड है, मेरे को नीचे से जाना था। ये हम लोग पहुँच चुके हैं मेन मुंबई एरिया में और यहाँ से थोड़ा सा दूर रह गया है अपना जो डेस्टिनेशन है आज का फर्स्ट व्यू पॉइंट। यहाँ पे मैं जहाँ भी देख रहा हूँ बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई है। ग्रीशम लाइफ LIC कौन कौन सी बिल्डिंग है। यहाँ से मेरे को बस दिखा रहा है 550 मीटर 1 मिनट का डिस्टेंस है चर्च ऑफ। यार मतलब यहाँ पे वाइड एंगल लेंस लेके आना चाहिए था, फोटो वोटो खींचते। लायन गेट है पीछे निकल गया है, जो सबसे ज़्यादा फेमस एरिया मुंबई का यही है। ओए मज़ा आ गया यार। पार्किंग नहीं है क्या कहीं पे, बाइक का पार्किंग नहीं है क्या ये वाले में? अच्छा इधर पे ऐसे जाके फोटो नहीं खींच सकते क्या? एक फोटो नहीं खींच सकते यहाँ पे? अच्छा खींच सकते क्या? हाँ तो इधर उधर कैसे जाना है? तो फाइनली आई एम एट गेटवे ऑफ इंडिया, यहाँ पे देख सकते हो आप। एक छोटा सा यार फोटो ले लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को बाकी फिर उसके बाद में पार्किंग करने के तब टाइम मिलेगा। ये है यहाँ पे ताज होटल। अभी थोड़ा सा ट्रैफिक नहीं है तो खींच भी सकते हैं। अभी यहाँ पे था मैं ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया पे। ओए होए 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 सही यार, ये सारे वाइट कबूतर, ये कहाँ से आ गया अचानक से? ये बहुत ब्यूटीफुल सी जगह है,
इधर पे पूरा आसपास में शिप्स ही शिप्स है। वाह। और वहाँ पे है गेटवे ऑफ इंडिया और यहाँ पे ताज होटल बना हुआ है। लवली यार। सो गाइज, अभी यहाँ पे तो घूम के मज़ा आया। अभी इसके बाद यहाँ से मैं जा रहा हूँ नरीमन पॉइंट, वही मेरीन ड्राइव जहाँ पे है। बट लवली प्लेस यार, अलग वाइब्स है यहाँ की, बहुत ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी शिप्स दिख रही हैं आसपास में। यहाँ से मैं जा रहा हूँ मेरीन ड्राइव, और मेरीन ड्राइव में भी थोड़ी देर घूमेंगे, उसके बाद आगे निकल जाएंगे, हाजी अली की दरगाह जाएंगे, ट्राई करेंगे। अगर वहाँ पे पार्किंग का स्पेस सही रहा तो ही मैं घूम पाऊँगा, अदरवाइज़ मेरे को मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा बाइक पार्क नॉर्मल एरिया में कर दिया तो कुछ ना कुछ इशू हो सकता है यार। ये हम लोग पहुंच गए हैं, एयर इंडिया का ऑफिस है यहाँ पे, भाई बहुत लूटते हैं। एक बार एंड तक होके आते हैं। देखते हैं यार, वाह मजा आ रहा है। यहाँ पे अपन लोग लगाते हैं बाइक थोड़ी देर, यहाँ पे भी देखते हैं, एंजॉय करते हैं मैरीन ड्राइव, उसके बाद थोड़ा सा एक लंबा स्ट्रेच मैरीन ड्राइव का खींचेंगे। यहाँ से मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ हाजी अली की दरगाह। अभी यहाँ से निकलते हैं, बस मस्त मज़ा आ रहा है। बड़ा लवली प्लेस है यार यहाँ पे तो, यहाँ के फोटोज़ बहुत अल्टीमेट आते हैं रात में अगर आओ तो। और अपन रात में आ नहीं पाएंगे, केवल महल, कपूर महल, जेवर महल, अरे भाई यहाँ तो सब महल हैं। क्या चल रहा है, सारी बिल्डिंग महल है क्या यहाँ पे भाई? क्या गजब दिख रहा है यहाँ से मुंबई, मतलब बट जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है सारी यहाँ पे दिख रही हैं। और उधर आप लोगों को दूर दिख रहा होगा एक मुकेश अंबानी का एंटीला। ये एक बिल्डिंग सामने दिख रही है, हीरा पन्ना बिल्डिंग। यहाँ पे बेसमेंट में जाके हाजी अली का पार्किंग हो जाता है, यहाँ पे आप पार्क कर सकते हो, पेड पार्किंग है बट इट्स गुड, एटलीस्ट मेरे को नियर बाई कहीं पार्किंग मिल जाएगा तो एक बार हाजी अली की दरगाह भी चले जाएंगे। मतलब आज मैं इतना सुबह निकला था घूमने के लिए कि शॉपिंग सेंटर का पार्किंग भी मेरे बाद में खुल रहा है। सो गाइज, यहाँ से तो अभी हम लोग निकल रहे हैं वापस, यहाँ से मैं अभी निकल रहा हूँ वापस। और एक बार यहाँ से, ओ भाई ट्रैफिक देखो यार। तो ये वाला ही है हीरा पन्ना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वो इधर बिल्डिंग के नीचे पार्किंग है इनका, तो पेड पार्किंग आप लोग आराम से कर सकते हो। उस साइड है हाजी अली की दरगाह, नीचे से रोड पास बना हुआ है तो नीचे से अंडरग्राउंड होके जाना पड़ता है। यहाँ से मैं पूरा घूम लिया जो मेरे को मेन मेन पॉइंट कवर करने थे। सामने देखो अम्बानी का घर दिख रहा है, भाई क्या बोलते हो। यहाँ से मैं एक बार दोबारा से मैरीन ड्राइव जा रहा हूँ। मैरीन ड्राइव से होते हुए उधर जिस रास्ते से मॉर्निंग में आया था सेम रास्ते से निकल जाऊँगा, क्योंकि वो थोड़ा सा खाली लगा मेरे को रूट, अभी पता नहीं है बट यहाँ से भी ऑलमोस्ट सेम ही डिस्टेंस दिखा रहा है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इधर से जाओ चाहे दूसरी साइड से जाओ। तो ओवरऑल बहुत मज़ा आया मतलब आज के मुंबई दर्शन में। और भी जगह हैं बहुत सारी जगह बट कवर कर सकते हैं, बट द टाइम इज़ 11:18 और मेरे को यहाँ से निकलना है एक्चुअली वापस।
यहाँ से मैं ज्वाइन कर चुका हूँ ईस्टर्न एक्सप्रेसवे, जो यहाँ से मेरे को कनेक्ट करेगा डायरेक्ट नवी मुंबई। तो ओवरऑल जो आज का जगह मैंने मुंबई का एक्सप्लोर किया, बहुत मज़ा आया, मस्त एकदम। बट और भी लोग होते तो अच्छा लगता साथ में।